सो बेसिकली इट्स नॉट दैट इजी टू मैरी अ नून. हमारी फैमिली में ना ट्रेडिशन है मंडप पे शादी टूटने की. रिक्की भाई शिवम का कार्ड यूज कर रहे हैं. ये सब इन लड़कों की प्लानिंग थी और अमन भी उसमें शामिल था. इस रिक्की की शादी बचाने के चक्कर मेरा तेरी खुद की शादी फिर से टूटेगी. हाउ डेयर यू. आई एम एलिजिबल विक्रांत से तो मेरा रूम. ईगो आउट हो गई तुम्हारी. है क्या तुम्हारे पास? क्योंकि मैं तुम्हें भाव नहीं दे रही थी. शक्ल देखी तुमने अपनी. तुमने पूछ किया था रिक्की को पल्ले के पीछे जाने के लिए? मैं कहाँ कुछ करता हूँ बेबी, मुझे तो कोई कुछ करने देता ही नहीं है. रियली? आप उन्हें घूर क्यों रहे हो? अपना काम करना. वैसे भी वो आंटी मेरे को घूर रही है. वैसे मेरा भी एक मैटर है, सॉल्व करोगी? मेरी वाइफ का ब्रेन वॉश करना. यो भाई व्हाट्स अप. भूतनी के नॉक करके नहीं आ सकता? अगर मैं और अनन्या कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में होते तो. परेशान मत करो बेचारी को. बेचारी बेटा जब तक तू पैदा हुआ था ना चार बॉयफ्रेंड्स थूक चुके थे. तुम आज भी इतने हैंडसम लग रहे हो कि हमेशा दिखते हो. स्टॉप इट गाइस. माय गॉड यू आर ब्यूटीफुल. आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू. या हाय लव. तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था. रिक्की अगेन ही इज फॉलिंग फॉर पलक. कैसे? पलक रिक्की के आसपास होती है ना तो वो मुझसे फेक फ्लर्ट करता है. रिक्की पलक के लिए इनसिक्योर. ये जो विक्रांत है धोखा खाएगा वो. तू मेरी हेल्प करेगा? विक्रांत और पलक को तू उन दोनों को मिलाएगा? गॉड बी किडिंग. मुझे समझ आ गया कि तेरी प्रॉब्लम क्या है. क्या है मेरी प्रॉब्लम? हक जता. जब भी तू उसको मिलेगा ना यू हैव टू बी असर्टिव. असर्टिव एज फक. डरा दिया यार. डरोगी तो अब तुम. मेरा मतलब डरोगी तो तुम अब. व्हाट इज रॉन्ग विद यू? दीज आर ऑल साइंस ऑफ लव. मैटर्स ऑफ हार्ट. आई हैव टू ऑप्शंस बट अलग तुम यहाँ क्या कर रही हो?